तमंचा लेकर बिजली के तार चोरी करने वाले दो शातिर चोर को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। थाना झनकैया ने आर्म्स एक्ट में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश तमंचा रखकर बिजली के तार चोरी किया करते थे। पुलिस ने शहीद रुमाल गेट लोहिया हेड के समीप इन चोरों को पकड़ा। इनका नाम अनिल कुमार और रजवंत सिंह बताया गया है। इनके पास से बिजली के लोहे और एल्युमिनियम के 338 कटी तारों के साथ एक बुलेरो और मारुति के साथ गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से दो तमंचे और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। जिले भर में लोकसभा निर्वाचन को लेकर कड़ी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में थाना झनकैया पुलिस द्वारा भी आज प्रातः रुमाल द्वार लोहिया हेड रोड पर जो है वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में दो संदिग्ध वाहन लोहिया हेड रोड से हमें आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने पर दोनों वाहन चालकों द्वारा जो दो फोर व्हीलर गाड़ियाँ आ रही थी उनको रोका गया, तो उनके चालकों ने गाड़ी रोककर भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस द्वारा तत्काल रोक के पकड़ लिया गया। दोनों सितारगंज निवासी है, एक का नाम अनिल है, एक का नाम रजवंत है। दोनों की जब गाड़ियों को चेक किया गया तो उनकी गाड़ियों से बिजली के कटे हुए तार बरामद हुए, जिनके संबंध में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है लोहिया हेड में ही जो केबल थे बिजली की केबल उसको काट कर चोर के ले जा रहे थे। दोनों की जमा तलाशी में एक एक नाजायज तमंचा भी और एक एक उसका कारतूस भी बरामद हुआ है 315 का। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना झनकैया पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।